कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम आपको बिल्कुल अलग हटके नमकीन दिखाएंगे। देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया हुआ है और देखिए ये अभी गर्म नहीं हुआ है। और देखिए ये चना दाल है 1 बड़ा चम्मच, और ये मखाना है, ये मूंगफली दाना है कच्चा, और ये पक्का नारियल है, ये मुरमुरा है जो चावल से बनता है। देखिए इसको, ऑयल मेरा गरम हो गया है, मूंगफली, देखिए सभी चीजों को तलेंगे हम। जैसे ही चटकने की आवाज आएगी तुरंत मूंगफलियों को निकाल लेंगे। मूंगफली मेरी तल गई है, इसमें चटकने की आवाज आ रही है और कलर भी इनका चेंज हो गया। देखिए इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से चना दाल हम तलेंगे, इसमें जैसे ही चटकने की आवाज आएगी तुरंत निकाल लेंगे। चने दाल का इसमें अलग ही टेस्ट आता है। देखिए देखिए चना दाल भी मेरी भुन तल के तैयार हो गई है। इसको निकाल के और इसी तरीके से मैं नारियल को भी तल दूंगी। देखिए एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल 1 चम्मच छोड़ा है। इसमें हम मखानों को तल लेंगे। गैस को तेज ही रखेंगे, क्योंकि अगर गैस को हम मंदा रखेंगे तो ऑयल इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हो जाता, वो अच्छा नहीं लगता खाने में। देखिए आधा चम्मच ऑयल है इसमें। देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए अब इसमें ये मुरमुरे डाल के, देखिए चाट मसाला डालेंगे, सादा नमक डालेंगे। देखिए मैं, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आधा चम्मच ही मैं नमक डाल रही हूँ। अच्छा इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और देखिए इसमें 2 पीस धनिया भी मैंने थोड़ा डाला है, बाद में डाल दिया था मैंने गरम थे उसमें ऑयल में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है 2 पीस धनिए का। देखिए अब इनको सभी को एक साथ मिला के मैं आपको, नमकीन देखिए मेरी तैयार है, आपको मैं बाउल में डाल के दिखाती हूँ। देखिए मूंगफली मखाने में भी मैं चाट मसाला डाल रही हूँ अलग से, क्योंकि थोड़ा कम रहेगा। और 1/3 चम्मच इसमें सबको डाल के मिला। नमकीन मेरी फटाफट 5 मिनट लगे बन के तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, और कृपा करके वीडियो देख के आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा हौसला इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। देखिए आप भी बनाइए घर में और बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।